वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आइए, आईटी का एक वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं, जिसकी मदद से आपको आपकी आगामी ओ लेवल की परीक्षाएं जो 8 जुलाई से शुरू हैं उसमें निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो बच्चों, बिना देर किए अब सीधे प्रश्न लेके आ रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, ओपन सोर्स तो है, सिस्टम नहीं है बच्चों, तो फॉल्स होगा ये। 51 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम ऑप्शन लेफ्ट साइड में आता है, नहीं, राइट में आता है, तो इसका भी कथन आपका फॉल्स रखिएगा। इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज, 53 नंबर प्रश्न, 10 होती है बच्चों, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कैल्क की 10 है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विथ शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम इन सेल, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, 54 नंबर प्रश्न है, कंट्रोल टी और नन ऑफ दिस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से टाइम आता है, कंट्रोल सेमीकोलन से सिर्फ डेट आती है। नया स्प्रेडशीट खोलने का आपका शॉर्टकट क्या होगा, 55 नंबर का, कंट्रोल प्लस यन होगा बच्चों, न्यू स्प्रेडशीट खुल जाएगी। Which shortcut key is used to delete a cell in LibreOffice? Calc, Control plus plus, Control plus minus n, Control D या delete? 56 नंबर का क्या आंसर होगा बच्चों? तो 56 नंबर का B लगाइएगा, Control plus minus। 57 नंबर पे आते हैं, Total number of columns in LibreOffice Calc is? कितने कॉलम होते हैं 57 का बी? वैसे तो 1024 है, लेकिन आज के लेटेस्ट वर्जन में XFD 16384 तक बच्चों आ रहा है। डिफॉल्ट रो हाइट कितनी होती है कैल्क की? 58 नंबर का आंसर होगा, 0.18 इंच में होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर्मेट सेल? फॉर्मेट सेल को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होगा? 59 का डी होगा, कंट्रोल प्लस 1 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर। कैल्क में कौन सी शॉर्टकट की का यूज सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है होल वर्कशीट को? 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल ए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, बच्चों ए और बी दोनों से हो सकता है। व्हाट यू प्रेस टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? 61 नंबर का आंसर आप यहाँ पे, वैसे तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने का आपका कंट्रोल प्लस क्यू होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से भी आप जा सकते हैं। इन कैल्क द टूल बार विच हैज कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी इज कॉल्ड, कौन सा टूल बार में ये सारे ऑप्शंस देता है? 62 नंबर स्टैंडर्ड टूल बार में ये सारे ऑप्शन बच्चों आपको नजर आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ लास्ट सेल इज, XFD 10 48 576, यही होता है जिसमें XFD कॉलम और 10 48 576 तुम्हारी रो होती है। 64 नंबर प्रश्न पे आता हूं, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव ए सेल लेफ्ट ऑफ ए सेल, लेफ्ट जाना है तो आप क्या यूज करेंगे? 64 प्रश्न का, टैब से आप राइट आएंगे, शिफ्ट प्लस टैब से आप लेफ्ट जाएंगे। हाउ मेनी मैक्सिमम शीट यू कैन इंसर्ट इन लिब्रे ऑफिस? 65 का उत्तर होगा, नो लिमिट। इन कैल्क यू कैन हाइड एंड हाइड फॉर्मूला बार, क्या आप कैल्क में फॉर्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, ए लगाइएगा इसका। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कैन हैव ओनली वन शीट, फॉल्स, आप अनलिमिटेड शीट्स डाल सकते हो भैया जरूरत के हिसाब से। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू स्प्लिट ए मर्ज सेल क्लिक बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल, मर्ज एंड सेंटर, 68 का आपका इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा डी। Where is the name box in LibreOffice Calc? Left side under the menu bar, left side under over the menu bar,
ऑन द स्टेटस बार राइट साइड अंडर द मेन्यू बार। बताइए 69 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार आप ये दिखता है। 70 नंबर पे आते हैं बच्चों। इन इंप्रेस द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इज। बताइए 70 नंबर का क्या आंसर होगा। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होगा। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन इज अवेलेबल एट। कहां मिलता है 71 नंबर का प्रश्न का आपका उत्तर होगा स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलता है बच्चों। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में आते हैं। 72 नंबर का बताइए। फॉर्मेट मेन्यू आपको पता ही होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। 73 नंबर का आंसर क्या होगा। टैब। एक से दूसरे हाइपरलिंक पर आप जंप कर सकते हैं। द इज ए स्लाइड दैट इज यूज्ड टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर स्लाइड। 74 नंबर का आंसर लगाइएगा बी, मास्टर स्लाइड कहते हैं बच्चों से। यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर साइमल्टेनियसली। 75 नंबर का क्या आंसर होगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू आप जानते हैं, जिसमें पूरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड छोटे छोटे फॉर्म में नजर आती है। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस विच व्यू इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग। कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस में नहीं मिलता। नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, नन ऑफ दीज। 76 का करेक्ट आंसर होगा डी, सभी मिलते हैं। इन इंप्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम द स्टेटस बार कैन बी हिडन। 77 का बच्चों यस, इसको हिडन आप कर सकते हैं। ए प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड। 78 फॉल्स। केवाईसी का मतलब क्या होता है। नो योर कस्टमर, ये बैंक्स में आपसे मांगा जाता है। ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। 80 नंबर प्रश्न बच्चों। आधार बेस रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस जो आजकल सर्विसेज बैंक में यूज हो रही है वहां पे लगता है। QR कोड को स्कैन कौन करता है, सेंसर। 81 नंबर, वैसे बेटर होगा आप कैमरा लगाइए इसका आंसर। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ये आपका ई कॉमर्स मॉडल होता है बच्चों, आप जानते हैं। USSD किसने लॉन्च किया है। 83 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। भीम एक ऐप होता है आप जानते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बताइए 84 नंबर का आंसर आप क्या लगाएंगे। ए लगाइए, दोनों में ए बी में सेम चीज लग रही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। द मिनिमम लिमिट टू पे विथ RTGS इज 2 लाख। मिनिमम 2 लाख से कम का पेमेंट नहीं अलाउड है RTGS में। द बैंक प्रोवाइड द लोन फॉर ऑल होम व्हीकल एजुकेशन। सबके लिए कराया जाता है बैंक के द्वारा लोन, आप जानते ही हैं। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मीडियम टू इनिशिएट एन IMPS। बताइए IMPS लेन देन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से एक माध्यम नहीं हो सकता, कौन। 88 नंबर का बी लगाइएगा, पेन। हाउ मेनी आवर्स कैन यू यूज UPI इन वन डे। कितने घंटे कर सकते हैं UPI का यूज एक दिन में। 89 नंबर का उत्तर होगा सी, 2400 घंटे। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन नंबर प्रिंटेड ऑन ATM कम डेबिट कार्ड में। कितनी डिजिट होती हैं बताइए।
बारह चौदह सोलह, 16 डिजिट का होता है, आधार 12 का, एटीएम 14 का, 16 का। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज 91 का, ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाइए। यही आंसर सही है। हु इन्वेंटेड द टर्म आईओटी? केविन एस्थन ने किया था बच्चों 1999 में। पॉकेट्स यूपीआई ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय विच बैंक? 93 नंबर का आंसर होगा, आईसीआईसीआई ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? नॉर्टन, अवेरा, क्विकिल, सभी होते हैं बच्चों। आरपीए स्टैंड फॉर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये आरपीए आज बहुत यूज में है बच्चों, बैंकिंग में, फाइनेंस में। व्हाट आर द टू मेन सेक्शंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? नेटवर्क एंड सर्वर, टर्मिनल एंड नोड्स। 96 का क्या आंसर लगाया जाए? फ्रंट एंड बैक। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज आईओटी डिवाइस? सबसे पहली आईओटी रिकॉग्नाइज डिवाइस कौन सी थी? 97 का बी, एटीएम बच्चों। वन की टू यूजर इंटरफेस डिजाइन इज टू अंडरस्टैंड योर यूजर्स एंड देयर टास्क। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है ये कथन आपका। विच इज द मिनिमम सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन? इज पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, की कार्ड, बायोमेट्रिक्स। बताइए 99 का क्या आंसर होगा? न्यूनतम सुरक्षित तरीका है पासवर्ड। द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज HTML, 100 का ए। तो बच्चों ये प्रश्न बड़े अच्छे थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूं आपने सीखा होगा। और इस उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय के वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।